खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तो जिस तरह का आतंकी हमला हुआ और भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चरम पर है और आज पाकिस्तान ने एक बार फिर हिमाकत की है, नापाक हरकत की है। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी जेट ने आज जम्मू कश्मीर के पुंछ और नौशेरा सेक्टर में भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, लेकिन पाकिस्तान के एक विमान को भारत ने मार गिराया है। F-16 विमान को भारत ने मार गिराया है। लाम सेक्टर में भारत ने विमान को मार गिराया है। यह बड़ा अपडेट मिल रहा है, पाक सीमा में घुसकर विमान को मार गिराया गया है। पाक सीमा के 3 विमान अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और यहां पर बड़ी सफलता भारत को मिली है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में रहते हुए नियंत्रण रेखा के पार हमला किया है। ये दावा जरूर सामने आया है, लेकिन आपको बता दें कि F-16 विमान को भारत ने मार गिराया है। लाम सेक्टर में भारत ने विमान को मार गिराया है। पाक सीमा में घुसकर विमान पर निशाना बनाया गया। और ये देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, नौशेरा, भीमबर गली और लाम सेक्टर, ये पाकिस्तान की सीमा है। देखिए, ये विमान पाकिस्तान के आते हैं, 2 विमान, और ये तीसरा विमान भारतीय सेना यहां पर तैनात थी वायुसेना ने, और इस विमान को गिरा दिया गया। और आप तस्वीरों में लगातार देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, पहला विमान आता है, दूसरा विमान आता है, निशाना बनाता है, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं, तीसरे विमान को किस तरह से मार गिराया है भारतीय वायुसेना ने, ये हम आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, भीमबर गली, लाम, नौशेरा, ये लाम की तरफ आने की कोशिश कर रहा था विमान, लेकिन इसे मार गिराया गया। हमारे विमान ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया है। ये पाकिस्तान और भारत की सीमा के पार जाकर गिरा। और अब तक क्या क्या हुआ है ये भी आपको बता दें, पूरा अपडेट। घुसपैठ के बाद भागते हुए पाकिस्तानी विमानों ने बम गिराए हैं, रिहायशी इलाकों में भी गिराए हैं, ये भी जानकारी आपके लिए जरूरी है। तो क्या कुछ अपडेट अब तक है ये हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी विमानों से भारत में कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा पाकिस्तानी विमानों को देखते ही मार गिराने के आदेश अब भारत में दे दिए गए हैं। बहुत बड़ा एक्शन होगा ये। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है आवाजाही। कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर अभी फिलहाल आवाजाही बंद है पूरी तरह से। हाई अलर्ट पर कौन कौन से एयरपोर्ट है ये भी हम आपको बता रहे हैं। श्रीनगर, लेह, जम्मू, पठानकोट, चंडीगढ़, धर्मशाला, अमृतसर और देहरादून, ये एयरपोर्ट्स हाई अलर्ट इन पर जारी किया गया है फिलहाल। एक बार फिर दिखा दें, श्रीनगर, जम्मू, लेह, पठानकोट, चंडीगढ़, धर्मशाला, अमृतसर और देहरादून, तो इन एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से इन्हें अलर्ट पर रखा गया है। तो जो यात्री यहां से जाने वाले थे उनकी फिलहाल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। एक बार फिर आपको हम ये दिखा रहे हैं, श्रीनगर, जम्मू, लेह, पठानकोट और ये तमाम एयरपोर्ट्स, इन पर अभी आवाजाही कमर्शियल फ्लाइट्स की बंद की गई है। और ये तस्वीरें एक बार फिर आप देख रहे हैं किस तरह से 3 विमान भारतीय सीमा के अंदर घुसते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन टीएन सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं लगातार। सिंह साहब, ये जिस तरह की कार्रवाई हुई है इसको हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की जिस तरह से अपनी ही संसद के अंदर इमरान खान को शर्म करो के नारे देखने पड़े थे, ये सुनना पड़ा था कि पाकिस्तान बिल्कुल नाकाबिल है, तो ऐसे में खुद को बस प्रूव करने की कोशिश है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस यही है, मेन बात वही है कि उसको अपना फेस सेविंग, चेहरा बचाने के लिए, लोगों से छिपाने के लिए एक्शन करना पड़ा है, और इस एक्शन का भी उसको मुंहतोड़ जवाब मिला है, और उसका जो है उसको अपने देश में इसकी ख्याति नहीं मिलेगी। ये है कि अपना तो प्रचार करता ही हुआ कि वहाँ मार गिराए, लेकिन झूठे प्रचार करेगा, जो सही बात है उसके अनुसार उसकी जनता भी इस बात को विश्वास करेगी कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा है। बिल्कुल टीएन सिंह जी, ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये किया गया है, 2 विमान पहले अंदर आते हैं, तीसरा विमान कोशिश ये करता है रिहायशी इलाकों को भी ये निशाना बना रहे हैं, उससे भी ये बाज नहीं आ रहे, मतलब ये सुधरने वाले नहीं है, ये फिर बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इनकी पुरानी आदत है। हम लोगों ने तो आतंकी अड्डा को ध्वस्त किया था, ये सिविल एरिया में ये कोशिश करेंगे करने के लिए, डैमेज करने के लिए, अभी तक सफल नहीं हुए हैं, लेकिन उनका प्रयास होगा, ये इनकी आदत है, पुरानी नई बात नहीं है।
बिल्कुल, तो वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी यह दावा किया है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में रहते हुए नियंत्रण रेखा के पार हमला किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को तेल की कमी हो गई है। पाकिस्तान ने इसके लिए बैठक बुलाई है। अभी पाकिस्तान ने सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है, सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। तो देखिए, अभी शुरू भी नहीं हुआ एक्शन और तेल की कमी भी शुरू हो गई। इनको समझना होगा कि भारत से ये टक्कर ले रहे हैं और भारत का जो रक्षा बजट है, इनका जो रक्षा बजट था वो हमारे नगर निगम के बजट जितना है। दिल्ली के नगर निगम का अगर बजट देखें तो उतना बजट है इनका, और हमारा है 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत है पाकिस्तान। देखिए, तेल की कमी, सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया, अभी शुरू ही हुआ था एक्शन और पस्त होता नजर आ रहा है पाकिस्तान। रक्षा बजट का कंपैरिजन इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान की स्थिति यह है कि ग्लोबली उसे फंड्स मांगने पड़ते हैं और अब तेल की भी कमी है। देखिए, पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पैनी नजर बनाई हुई है। जी तेल की कमी को लेकर सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है, सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान ने सभी एयरपोर्ट भी बंद कर दिए हैं। हमने तो सुरक्षा कारणों से बंद किए, इनकी तेल की कमी के चलते बंद हुआ है। ये एक बड़ा अपडेट। जो रूटीन प्रोसेस है उसमें हमारे बीएसएफ के जो जाबाज हैं बॉर्डर फेंसिंग पर पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं, वो पूरी तरह से देश को ये मैसेज देते हुए हर वक्त नजर आते हैं कि आप चैन की नींद सोइए, हम आपके लिए बॉर्डर पर तैनात है, किसी भी तरह की अनहोनी हम होने नहीं देंगे, ऐसा संदेश रूटीन जो प्रोसेस है उसमें दिया जाता है। लेकिन चूंकि अभी थोड़े से हालात बॉर्डर पर तनावपूर्ण है, लेकिन पूरी तरह से अलर्ट है, बीएसएफ की तरफ से अलर्ट किया गया है। हालांकि अगर बात की जाए कितने फाइटर जेट है, क्या है, वो ऐसी स्थिति है जहां पर डिफेंस की तरफ से ऐसा कुछ भी अभी तक कहा नहीं गया है, क्योंकि सुरक्षा से जुड़े हुए मसलों पर इस तरह की जानकारी जो है वो देना कहीं ना कहीं ठीक नहीं माना जाता। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, पूरे सिस्टम की बात करें, तो यहां पर बॉर्डर से सटे हुए जितने गांव है वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग है, साथ ही साथ तमाम आने जाने वाली जो राज्यों से लगती जो सीमा है, अगर बात करूं पंजाब से जो गाड़ियां आ रही है, हरियाणा से जो गाड़ियां आ रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है, जो ब्लैक फ्रिल जो लगे होते हैं, काले शीशे की जो गाड़ियां, उनको उनपे पूरी तरह से नजर है। क्योंकि पिछले लंबे टाइम से देखा गया था, चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर हो या गंगानगर हो, इन तमाम बॉर्डर इलाकों में आईएसआई एजेंट्स पकड़े गए हैं, सुरक्षा एजेंसियों की जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें उनके हाथ लगी है जो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है कि यहां पर संदिग्ध चीजें जो है वो पाई गई थी। अभी फिलहाल स्थिति यह है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल रौनक व्यास, बीकानेर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से सीमा है, बीकानेर सीमा को लेकर कितनी अलर्ट यहां पर जो सेना है वो है और कितनी व्यवस्थाएं किस तरह की रखी गई हैं, इससे जुड़ी जानकारी दे रहे थे। तो लगातार विमान हादसे की वजह हालांकि अभी तक पता नहीं चली, वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है उसको लेकर भी अभी जांच जारी है। और जो एक और बड़ा अपडेट मिला था वो ये था कि पाकिस्तान में तेल की कमी हो गई है, उसको लेकर बैठकें चल रही हैं, एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को बंद कर दिया गया है, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। तो लगातार पाकिस्तान अब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में जुटा हुआ है, क्योंकि इमरान खान पर प्रश्न उनके ही सहयोगियों ने, विपक्षियों ने उठा दिए थे। ऐसे में जब संसद में कल उनको शर्म करो के नारे सुनने पड़े तो उससे घबरा कर इमरान खान ने ये कदम उठवाया है। लेकिन इसके भी जरिए अब उनको किरकिरी ही झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनका F-16 विमान जमींदोज हो गया है। तो देखिए, हाई अलर्ट पर कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं ये जानकारी हम आपको दे दें। श्रीनगर, जम्मू, ले, पठानकोट, चंडीगढ़, धर्मशाला, अमृतसर और देहरादून, ये वो एयरपोर्ट्स हैं। अगर आपकी भी यहां पर फ्लाइट थी तो आपको ये समझना होगा कि फिलहाल फ्लाइट्स कैंसिल है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो तमाम नागरिक हैं वो ऐसे समय में जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। देखिए, फिर एक बार जानकारी दे रहे हैं, श्रीनगर, जम्मू, लेह और इसके अलावा पठानकोट, और अगर बात करें तो धर्मशाला, अमृतसर, देहरादून, चंडीगढ़, ये सारे एयरपोर्ट्स फिलहाल फंक्शनल नहीं है, खासतौर पर कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए फंक्शनल नहीं है। सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया गया है जिससे कि आप सुरक्षित रह सकें।
और ये देखिए, ये एक बार फिर आपको दिखा दें किस तरह से तीन विमान आते हैं। ये देखिए पाकिस्तान और भारत, ये पहला विमान आता है बमबारी करता है, दूसरा विमान आता है बमबारी करता है, और ये तीसरा विमान देखिए पाकिस्तान में ही जाकर गिर जाता है, क्योंकि हमारी वायुसेना ऐसा जवाब देती है कि पायलट को जरूर कूदते हुए दिखाया गया था, पायलट एक पैराशूट के जरिए कूदते हुए दिखाई दिया और ये विमान गिरता है पाकिस्तान की सीमा के अंदर। देखिए एलओसी के अंदर जाकर 3 किलोमीटर करीब अंदर गिरता है नौशेरा, और जिन इलाकों को निशाना बनाया गया वो हमने आपको दिखाया। इसके अलावा अब तक क्या क्या हुआ है, अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपके लिए ये अपडेट, घुसपैठ के बाद भागते हुए पाकिस्तानी विमानों ने कोशिश की कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाएं, हालांकि ये राहत की बात है कि भारत को कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ है, कोई क्षति की खबर नहीं है। पाकिस्तानी विमानों को जिस तरह से इन्होंने एंट्री की, उसके बाद तीसरे विमान को F-16 विमान को भारत ने धराशायी कर दिया, जमींदोज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि बम गिराते हुए ये पाकिस्तानी विमान जा रहे थे रिहायशी इलाकों का भी इन्होंने खौफ नहीं खाया, इन्हें ये नहीं लगा कि वहां पे आम जनता रहती है, सिविलियंस रहते हैं। तो इसके अलावा ये जो तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस पर हम बात लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए स्टूडियो में, TN सिंह साहब। सिंह साहब, ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, इससे क्या मैसेज पाकिस्तान के लिहाज से जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें करता है जिसके चलते भारत ने अब बातचीत छोड़ दी है और अब कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो निश्चित था और पाकिस्तान को समझना चाहिए, लेकिन समझता नहीं है उसकी औकात क्या है। आपने सही बताया, जो अब रक्षा बजट हम लोगों का है और उसका रक्षा बजट है, अभी पेट्रोल के कमी से उसके सभी हवाई जहाज बंद हैं, उसके समूचा पैसा जितना भी है उसके पास है, खाने पीने का पैसा भी सब डाइवर्ट हो रहा है आर्म्स के इसमें, तो ये सब तो मानना ही पड़ा। और F-16 विमान गिरा है जो उसका प्राउड था, उसको उन लोगों की शान थी कि F-16 विमान जो है हमारा सबसे काबिल और क्या कीमती बीमार है, वो भी मार गिराया गया है वहाँ, और वो भी उसी के क्षेत्र में जा गिरा है, और पायलट संभवतः पायलट अपनी रक्षा कर लिया है गिर करके, पता नहीं अरेस्ट हुआ है या उस उधर चला गया है, भगवान जाने। लेकिन जो है पाकिस्तान को सबक तो मिलती रहती है, लेकिन वो थेथर है, समझता नहीं है, बात को समझता नहीं है, बिल्कुल समझता नहीं और बार बार वही गलती करता है। रक्षा बजट का हम जिक्र कर रहे थे, हमारा रक्षा बजट उनसे 3 गुना क्या 4 गुना ज्यादा होगा, 4-5 गुना, गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत ही कम है उनका रक्षा बजट, करीब 6,000 करोड़ का ऐसा कुछ उनका रक्षा बजट है। लेकिन ये समझना चाहेंगे कि हमारी जो सेना है कितनी शक्तिशाली, अगर कंपैरिजन करें तो बेहतर स्थिति में भारत ही है, और उनको ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। स्थिति ये हो गई है कि इन्होंने एक्शन शुरू ही किया था कि तेल की कमी हो गई, फिर भी उनको ये समझ नहीं आ रहा कि किससे टक्कर ले रहे हैं वो। बात तो सही है, उनको समझ आती तो टक्कर लेते नहीं, लेकिन उनको उन्होंने तो अभी तक जो है शैडो में रह करके लड़ाई लड़ी है आतंकवादियों के चलते, अब आमना सामना हुआ, जब आमना सामना हुआ उसे हम लोगों की विक्ट्री हुई है, और हम लोग सही रूप से उनको ठीक से दबाए हैं और दबाएंगे फिर इस बार भी। सिर्फ सैनिकों की अगर संख्या की बात की जाए TN सिंह जी, तो भारतीय सेना में करीब 13 लाख सैनिक हैं और पाकिस्तान में 6.5 लाख, मतलब हमसे आधा है। और सिर्फ इसकी बात नहीं करें, अगर रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो भारत के पास 292 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, पाकिस्तान के पास 134 हैं, कंपैरिजन में पीछे ही है। जी जी, मैन पावर 500 गज आगे गया जहाज, तो फिर आवाज हुई फटा, देखा जंगल में जहाँ हमारे घर के सामने ही फटा, सिविल का कोई नुकसान माली जान नुकसान नहीं हुआ, पूरा रिहायशी इलाका नजदीक गवर्नमेंट स्कूल है, तभी 500 गज पर जो नीचे स्कूल है सामने, और बाकी इस साइड पूरा रिहायशी इलाका जंगल है, बाकी कोई किसी पर नहीं हुआ है, माली जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन खाली उनने अरेस्टमेंट किया है, तो हम घबराते नहीं है, होने तो क्या, ये तो होते रहते हैं। कहाँ से गांव का नाम क्या कहना चाहिए, क्या देखा आपने? सर मेरा नाम अमरीक सिंह है, मेरा गांव ये नारिय चौकी, यहाँ साथी हमारे अमनिशन डिपो है, तो हम छत पे ही थे, छत पे धूप लगा रहे थे, तो हम देख रहे थे अपने जहाज, वो छोटे बच्चे थे साथ में, वो देख रहे थे छत पे, वो बोलते हैं 3-4-5-6 जहाज अपने वहाँ ऊपर देख रहे थे, अचानक ही मतलब ऐसे आवाज, दूसरी अलग एक आवाज आई पास से, तो जैसे देखा हमने वो जहाज, जैसे उसने टर्न किया यहाँ वापस गोला फेंक के वापस उसने उसी लोकेशन से वापस मतलब वापस हो गया वो, तो तब तक आवाज आई, जब तक आवाज आती हम देखा कि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, धुआं ऊपर तक जा रहा है, तो वो देखते हुए हमें बच्चों को सभी को अंदर जाने को कहा, सभी घर के अंदर चले गए, फिर उनके अचानक आज
स्ट्राइक है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठानों के ऊपर है, आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर है, उनका संरक्षण करने के लिए अगर आप ये जवाबी कार्रवाई कहते हैं तो फिर तो आप एक आतंकी राष्ट्र है, क्योंकि आप आतंकवादियों का संरक्षण कर रहे हैं। हर चीज का जो भी आप भारत के खिलाफ करोगे उसका मुंहतोड़ जवाब भारत जरूर देगा, और हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका नक्शा इस धरती पर से हम परमानेंटली मिटा दें। और चलिए जरूरी जानकारी आपको दे दें, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, पाकिस्तान का एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है, भारतीय वायुसेना के किसी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा। यह बड़ा अपडेट, दुश्मन देश की कार्रवाई में कोई नुकसान नहीं हुआ है, सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट मिल रहा है। पाकिस्तान का एक और झूठ यहां पर सामने आ चुका है, लगातार झूठ बोलने का आदि हो चुका है पाकिस्तान, और झूठ का पर्दाफाश हो चुका है क्योंकि भारतीय वायुसेना के किसी विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, दुश्मन देश की कार्रवाई में हमें कोई नुकसान की खबर नहीं है, बल्कि उन्हीं को F-16 विमान जो उनका है वो पूरी तरह से तबाह हो गया, खत्म हो गया, और यहां तक कि पायलट को पैराशूट से छलांग लगानी पड़ी। ये एक बड़ा अपडेट, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मुस्तैद हैं वायुसेना के तमाम जवान, और ये देखिए किस तरह से निगरानी रखी जा रही है पूरे इलाके में, क्योंकि हम अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार पल पल की जानकारी, लाइव अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। एक और झूठ का पर्दाफाश हो चुका है पाकिस्तान के, लगातार झूठ झूठ बोलकर थक नहीं रहा पाकिस्तान, बार बार हम सच सामने लाते हैं, बार बार पाकिस्तान झूठ बोलता है। दावा यह किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि काफी नुकसान कर दिया, कई इलाकों को निशाना बनाया गया, लेकिन सच हम बता रहे हैं आपको, दुश्मन देश की इस कार्रवाई में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि हमने ही F-16 विमान को मार गिराया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि पाकिस्तान के घुसपैठ में भारत के किसी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं आपको बता दें, सीमा पर बड़ी हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई हुई है, बैठक में एनएसए अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। वायु सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए हमारे भी कई एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ानों को रोक लगा दी है। अरुण जेटली का कुछ कहना है, सुन लेते हैं वित्त मंत्री। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी, आज तो वो भी संभव है। तो आप अरुण जेटली को सुन रहे थे, उनका यह कहना था कि जिस तरह से एबटाबाद इलाके से ये सब किया गया, जब अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया तब किसी ने उफ तक नहीं की। और इस बीच ये भी अपडेट मिल रहा है कि पाकिस्तान के विमानों के लिए तेल की कमी हो गई है। देखिए हमारे साथ सिंह साहब लगातार जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, पाकिस्तान ने दावा किया था कि 2 सैन्य विमानों को भारत के पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में मार गिराया गया है, एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है, इतने बड़े बड़े दावे और निकलता कुछ भी सच नहीं है। ये सब झूठ, उनकी झूठ बोलने की आदत है, आज से नहीं, पहले भी जब जब लड़ाइयां हुई हैं उन झूठ का सहारा लेकर के अपने लोगों को, अपनी जनता को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। जब मान लीजिए अभी जो है ना, अभी तो हम लोगों का भी एक मेन टारगेट बाकी है, जो आतंकवाद का जो गुरु है, F-16 विमान को भारतीय सीमा को पार किया है, क्या कहेंगे इस पे? अभी मैं प्लेन में था, उसकी तहकीकात की जाएगी। मोटी बात आप इस बात समझिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत प्रभावी और प्रमाणिक कार्रवाई कर रहा है, और पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग है, और ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है जिसमें भारत ने आतंकवादी गतिविधियों और उनके केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की। धन्यवाद। तो देखिए साफ तौर पर रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि कार्रवाई इस मामले में होगी और इसमें कोई कमी, कोई
कमी नहीं बरती जाएगी वायुसेना की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी, क्योंकि अब जिस तरह से रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने एक बार फिर बता दिया है कि उसकी नीयत क्या है। तो लगातार हम